बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 732505-2437। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए आसाम, बी सिक्किम, सी गोवा या डी बिहार? प्यार किया तो डरना क्या, बाका थाना के मेहरपुर गांव का युवक युवती ने शिव मंदिर प्रांगण में किया प्रेम विवाह। हमारी गलतियों से कभी रूठ न जाना, हमारी शरारत से कहीं रूठ न जाना, तुम्हारी चाहत ही हमारी जिंदगी है, इस प्यार के बंधन को भूल न जाना। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। ताजा मामला बांका जिला अंतर्गत बौसी थाना के अंगारू गांव का है, जहां दिल लगी के परवान चढ़ने पर एक युवक युवती ने शाम 8 बजे शिव मंदिर प्रांगण में प्रेम विवाह कर लिया। युवक विनोद कुमार उम्र 21 वर्ष और युवती उम्र 20 वर्ष दोनों ही बांका थाना के मेहरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनके बीच प्रेम प्रसंग पूर्व से चल रहा था। दोनों ने स्वैच्छिक रूप से विवाह ग्रामीणों के समक्ष कर लिया। बताया जा रहा है कि अंगारू गांव में प्रेमी युवक का ननिहाल भी है, इसलिए उसे यहां विवाह करना महफूज लगा। हालांकि वैदिक रीति के मुताबिक हिंदू धर्म में सावन और भादव मास में विवाह जैसे शुभ कर्म निषेध है, परंतु प्यार किया तो डरना क्या को चरितार्थ किया गया और फिर क्या कोरोना और क्या सामाजिक पारिवारिक प्रतिष्ठा का रोना, हो गई शादी। अपना खुशी से शादी कर रहे हैं, अपना राज्य खुशी से शादी कर रहे हैं, घर कहाँ है, क्या बोले, ग्राम और थाना, थाना बाका, बाका आपका थाना बाका, फुल एड्रेस बोलिए ना, घर में तो कोचुड़िया थाना बाका जिला बाका अंचल बाका। ठीक, अपना राज्य खुशी कर, कोई दिक्कत ना किसी को, ये सिंदूर दे दो, भोला बाबा मंदिर अंगारू थाना बोसी जिला बांका में हो रहा शादी। गोपालपुर स्पर संख्या 9 के डाउनस्ट्रीम में धसान के साथ कटाव जारी। इस्माइलपुर बिनटोली के बीच स्थित स्पर संख्या 9 पर बुधवार को धसान के साथ कटाव जारी है। जल संसाधन विभाग के ठेकेदारों द्वारा बालू भरी बोरियों को एनसी में डालकर पुनः स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। गंगा नदी यहां खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बताते चलें कि स्पर संख्या 9 के डाउनस्ट्रीम में कटाव का दायरा बढ़ जाने से तिंटेंगा करारी गांव में कटाव की जद में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मोहम्मद जफर रशीद खान ने बताया कि फिलहाल नदी का जलस्तर स्थिर है और क्षतिग्रस्त हुए बोल्डर पिचिंग को एनसी से रिस्टोर करवाने का कार्य किया जा रहा है। We'll be right back.
नवगछिया में मुहर्रम की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक आज नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में गुरुवार को मुहर्रम को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर से की गई तैयारी को लेकर बैठक आयोजित होगी। बैठक में अनुमंडल के सभी BDO CEO एवं थाना अध्यक्ष भाग लेंगे। नवगछिया SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार ने बताया कि बैठक में मुहर्रम को लेकर प्रशासन स्तर से की गई तैयारी की समीक्षा की जाएगी। नवगछिया वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए बैठक। भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में गुरुवार को जूम ऐप पर दोपहर 12 बजे से होने वाली वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए नवगछिया जिला भाजपा कार्यालय में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य प्रवक्ता के रूप में बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा रहेंगी। बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कुमकुम देवी ने कहा कि रैली में बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे। गोपालपुर में फिर मिले दो कोरोना संक्रमित। PSC गोपालपुर में बुधवार को 100 लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जिसमें दो कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। बनारसी लाल सराफ कॉलेज में 29 अगस्त से भरा जाएगा Part 3 का परीक्षा फॉर्म। स्थानीय बनारसी लाल सराफ कॉलेज में स्नातक Part 3 के कला वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकाय के परीक्षा फॉर्म 29 अगस्त से 1 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ भरा सकेगा। उक्त जानकारी कॉलेज के प्रवक्ता समेत मीडिया प्रभारी राजेश कनोडिया ने परीक्षा विभाग के हवाले से दी है। 8 लाख रुपए की निकासी के बावजूद 2 वर्षों से 7 निश्चय योजना का कार्य प्रारंभ नहीं होने पर BDO ने कराया मामला दर्ज। इस्माइलपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस्माइलपुर थाने में CM नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत प्राकलित राशि 13 लाख के विरुद्ध चेक द्वारा 2 वर्ष पूर्व 8 लाख रुपए की निकासी के बावजूद सड़क निर्माण कार्य बार बार प्रखंड कार्यालय द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने पर सरकारी राशि के गबन करने का मामला दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार इस्माइलपुर प्रखंड के छोटी पर्वत्ता पंचायत के वार्ड संख्या 16 वार्ड विकास क्रियान्वयन समिति द्वारा प्राकलित राशि 13 लाख रुपए से सड़क बनाने हेतु चेक के बतौर अग्रिम राशि का उठाव कर लिया गया, परंतु सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। अतः BDO ने इस्माइलपुर थाने में सरकारी राशि के गबन का मामला वार्ड सदस्य सह वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष रामू भारती, वार्ड सचिव बास्की मंडल व अक्षय इंटरप्राइजेज पर दर्ज कराया है। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष प्रेम शाह ने बताया कि मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। बिछिप्त ने नवगछिया पुलिस के वाहन पर पत्थर से किया हमला, बाल बाल बचे इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा। नवगछिया थाना परिसर के गश्ती वाहन में नवगछिया शहर में ही एक विक्षिप्त ने एक बड़े पत्थर से जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे नवगछिया थाना के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राज कपूर बाल बाल बच गए। वहीं इस हमले में पुलिस वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी मिली है कि विक्षिप्त सड़क के किनारे खड़ा था, जैसे ही वाहन करीब पहुंचा तो विक्षिप्त ने रुक जाओ जोर जोर से चिल्लाया। जब तक पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते तब तक उस विक्षिप्त ने एक बड़ा सा पत्थर वाहन पर दे मारा। पत्थर इंस्पेक्टर राज कपूर के ठीक सामने शीशे पर जा लगा, शीशा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद जब पुलिसकर्मियों ने उक्त दबोचा तो कहने लगा कि उसे किसी से बात नहीं करना है, उसे मोदी जी से डायरेक्ट मिलना है। पुलिस विक्षिप्त को थाने पर लेकर गई। जब पूछताछ और छानबीन की गई तो पता चला कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। परिजनों को थाना बुलाया गया और इलाज के लिए ले जाने के शर्त पर PR बॉन्ड भरवाकर उसे मुक्त कर दिया गया। बुधवार को यह घटना पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ था। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8225 6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773।
93043-67-170। नवगछिया में एक कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा में शिविर लगाकर 150 लोगों की जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि एंटीजन किट से हुए जांच में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 21 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। नवगछिया में मुखिया संघ अध्यक्ष ने किया एसडीओ का अभिनंदन। नवगछिया मुखिया संघ की ओर से अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव ने बुधवार को नवगछिया के एसडीओ अखिलेश कुमार का स्वागत बुके देकर किया। श्री यादव ने कहा कि नवगछिया अनुमंडल का सौभाग्य है कि इंजीनियर अखिलेश कुमार जैसे तेज तर्रार और अनुभवी पदाधिकारी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से नवगछिया में आए दिन विकास योजनाओं में गति मिलेगी और सरकार की योजना का लाभ समाज के निचले पायदान पर रह रहे लोगों तक पहुंचेगा। मास चेकिंग अभियान में 67 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क और वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 67 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3350 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 8 वाहन से 8000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया। विभिन्न थानों में जब्त शराब को गोपालपुर थाना परिसर में किया गया विनिष्ट। गोपालपुर थाना परिसर में बुधवार की दोपहर को गोपालपुर इस्माइलपुर रंगरा ओपी व परबत्ता थाना में जब्त किए गए अवैध शराब को उत्पाद विभाग के निरीक्षक चंदन कुमार, दंडाधिकारी अंचलाधिकारी गोपालपुर मोहम्मद फिरोज इकबाल, गोपालपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती व विभिन्न थाने के पदाधिकारियों की मौजूदगी में विदेशी व देशी शराब को विनिष्ट किया गया। अज्ञात लोगों ने घर के बरामदे पर लगी मोटरसाइकिल में लगाया आग। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकमानपुर टोला कदवा निवासी विपुल कुमार भारती के घर की बरामदे पर लगी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल में किसी अज्ञात लोगों ने मंगलवार की रात करीब 12 बजे आग लगा दी। विपुल ने बताया कि हम सभी परिवार के लोग रात को घर में सो गए थे। जब आग की लपटें व धुआं घर में फैलने लगी तो धर्मेंद्र के साथ अन्य परिवार के लोग घर से बाहर निकलकर देखा तो मोटरसाइकिल में आग लगी हुई है। शोर मचाने के बाद घर व आसपास के लोग दौड़कर आए और आग को बुझाया। तब तक मोटरसाइकिल के अधिकांश भाग जलकर क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं विपुल ने उक्त घटना के बाबत अज्ञात के खिलाफ कदवा थाने में लिखित आवेदन दिया है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए बीकॉम बीएससी पॉलिटेक्निक बीटेक बीबीए बीसीएमएलए निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88737-9386 8228956905 या रजिस्टर करें msdoubletbihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437।